अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कोरोना वायरस और बच्चों पे उसके क्या असरात पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे पास है पीडियाट्रिशियन फ्रिस्को टेक्सास से डॉक्टर अजरा जगानी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मैं फौरन जाऊंगी पहले सवाल पे। पहला सवाल तो ये है कि अगर 5 से 8 साल का बच्चा है तो उस एज ग्रुप को हम किस तरह समझाएं कि कोरोना वायरस है क्या? ओके, बेसिकली आई मीन 5 से 8 साल के बच्चे आजकल के अल्हम्दुलिल्लाह काफी बाशऊर हैं, एंड आई एम श्योर दे लिसनिंग टू द न्यूज, खबरें सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनको इस तरह से बताएंगे कि ये जिस तरह से नजला होता है, फ्लू होता है, बट ये एक किस्म का ऐसा वायरस है जो फ्लू से ज्यादा खतरनाक है और जो ज्यादातर तो बड़े लोगों को और उम्र रसीदा लोगों को हो रहा है, लेकिन बच्चों को भी अब होने लगा है। बच्चे ज्यादा उसमें सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं, पर वो कैरियर हो सकते हैं। तो उनको इस तरह से बताया जाए कि ये ऐसा वायरस है जो नजला भी है, खांसी भी है, बुखार भी है, और वो और बिगड़ भी सकता है। तो डराए बगैर उनको ये बताया जाए कि ये एक मूजी मर्ज है। तो मतलब बच्चों को ये वायरस लगने के चांसेस हैं इस वक्त? जी जी बिल्कुल है। अभी इस वक्त हमारे पास तो यहाँ पे डैलिस में बच्चे भी काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, बल्कि दे गेटिंग वो काफी हद तक बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह एडल्ट्स को लग रहा है उस तरह से नहीं, बट घर में अगर किसी को है और बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं तो वो जरूर कैरियर या पॉजिटिव हो रहे हैं वायरस के साथ। अच्छा, अगर अगर बच्चे को अस्थमा या कोई और बीमारी या कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो क्या उससे बच्चे के रिस्क ज्यादा बढ़ेंगे कोरोना वायरस, लाइक उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी? जी, बच्चे जो अगर इम्यूनो सप्रेस्ड है या किसी किस्म की दवाओं पर है, खासतौर पर अगर स्टेरॉइड्स पर है या उनको एस्मा है या किसी भी किस्म की लंग्स की बीमारी है, तो उनको, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा वायरस है जो जाके आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। ये गले से शुरू होता है और ये आपके लंग्स में, फेफड़ों में चले जाता है। तो जो बच्चे अगर उनको एलर्जीज है या एस्मा है तो उनके लिए ये मर्ज ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, अब उसके प्रिवेंशन में हम थोड़ा बाद में आएंगे, बट फौरन जाऊंगी हम बच्चों की तो बात करें, थोड़ा सा बेबीज की तरफ जाते हैं कि क्या ये वायरस बेबीज को अटैक कर सकता है? कुछ 2 या 3 रिपोर्ट्स आई हैं। एक लंदन से आई है कि एक बच्चे को भी पॉजिटिव निकला है वायरस। दे आर नॉट, वो बीमारी के सिम्टम्स नहीं बता रहे, यानी कि वो भी अलामतें बीमारी की नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव हो सकते हैं और वो कैरियर भी हो सकते हैं। तो ये नहीं कि ये कहना अभी इस वक्त वैसे कबल अज वक्त है, क्योंकि इतनी स्टडीज नहीं है इसके पास कि वेदर प्रेग्नेंट खवातीन से या ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बच्चों को हो सकता है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। ओके, सो आपने अभी प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बताया, अगेन एक फियर होगा कि जो अनबॉर्न बेबी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में कुछ पता चला है कि क्या कोरोना वायरस जो न्यूबॉर्न, अगर वो जो मदर को कोरोना पॉजिटिव है तो बेबी को फॉरन आइसोलेशन किया जा रहा है, और ताकि वो, अभी तक कुछ पता नहीं है वेदर उनको थ्रू द प्लेसेंटा भी, जो स्टडीज है उसमें तो यह है कि प्लेसेंटा से पास नहीं हो रहा है, बट एहतियात जरूर करनी है कि उनको सेपरेट करना है। अगर वो माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बेबीज को तो वो मास्क पहने, एहतियात करें, हाथ धोए सही तरह से, और डेफिनेटली मास्क पहन के रखें ताकि उससे उनको कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो बेबीज को। कहा कोरोना पॉजिटिव और कैरियर, कोरोना पॉजिटिव और कैरियर में क्या फर्क है? कोरोना पॉजिटिव का मतलब है कि आप में वो अलामतें मौजूद है, मींस आपको बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है। कैरियर का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कोरोना वायरस है लेकिन आपने अब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई है। क्योंकि आप सुनते होंगे ना, काफी लोगों को कहते हैं इफ यू हैव कोरोना लेकिन कोई सिम्टम नहीं तो आप सेल्फ आइसोलेट हो जाए, सेल्फ क्वारंटीन में चले जाए। और काफी से ज्यादा लोग उसी तरह से ठीक हो जा रहे हैं जो हेल्दी है, यंग एडल्ट से, लेकिन जिनको कोई और प्रॉब्लम्स है उनके लिए एहतियात, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में बेशतर इलाके लॉकडाउन में चले गए हैं जी। अब पूरा दिन ऑब्वियसली बच्चे घर में ही होते हैं, अगर शाम के टाइम पे किसी खुली जगह पे हम बच्चों को जैसे पार्क या साइकिल चलाने या क्रिकेट के लिए बाहर खुली जगह पे रखें कि हम कहें कि भाई आपको सेफ डिस्टेंस रख के आप खेलें, तो क्या उसमें नुकसान है? आई वुड थिंक सो, क्योंकि आपको पता है बच्चे उतना डिस्टेंस नहीं रखेंगे और दे विल एक दूसरे के साथ अगर मिलेंगे, तो जो आइडिया लॉकडाउन का होता है या यू नो जिसको हम कह रहे हैं कि सेफ एट होम,
वो हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा. व्हेन वी से लॉकडाउन एंड यहाँ पे मेडिकली भी जो बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि कीप देम एट होम, घर पे रखें. आई नो बहुत मुश्किल है घरों पे बच्चों को रखना, लेकिन किसी भी किस्म की और आर्ट्स हैं, कलरिंग है, लेगो है, आई मीन जो कुछ भी इमेजिनेशन अम्मियों का हो सकता है, कोशिश करके अवॉइड करें कि वो बाहर लेके निकले. अनलेस आपके पास कोई बैकग्राउंड, यू नो, कोई बैकयार्ड है या कुछ ऐसी जगह, वहां घर में आपस में भाई बहन खेले, लेकिन ये नहीं कि अब आप दो चार पड़ोस के बच्चों को भी प्ले डेट्स करें. दीज आर नॉट, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मल्टीविटामिंस, अगर हम बच्चों को मल्टीविटामिन या सिरप हो या गोलियां हैं या वो च्यूइंग, कोई भी किस्म की टैबलेट्स हैं, अगर वो दें तो क्या कोरोना वायरस लगने का रिस्क कम हो सकता है अगर उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए हम? बेसिकली इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा काम करती है. बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स दें अगर हो सके, ऑरेंजेस है, ऑरेंज जूस है, मल्टीवाइट्स भी हेल्प करेंगी, लेकिन ज्यादातर इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी इज मोर, ज्यादा मुफीद है वो. तो अगर आप 500 मिलीग्राम की विटामिन सी की जो च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं वो अगर बच्चों को दें, या वो दो ऑरेंजेस खाएं दिन में, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. आप मल्टीवाइट भी दे सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कुछ बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते तो उनको मल्टीवाइट्स के साथ भी हेल्प हो जाएगी. ग्रेट. अच्छा, अगर एक घर में बच्चे तो है, वालदैन है और नानी नाना दादी दादा है, तो उस सिचुएशन में किस किस्म की एहतियात हमें करनी है फॉर द फैमिली? ओके, सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि आप बच्चों को ये समझाएं कि हाथों से सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ये वायरस, तो हाथ धोना बहुत जरूरी है. एंड जो हमने हाथ धोने की बहुत सारी आजकल वीडियोस भी आ रही हैं कि आपको 20 सेकंड के लिए उनको हाथ धोना. अब उसका ये मतलब नहीं कि पानी बहता रहे, दे नीड टू यूज सोप एंड वाटर, और कोई भी सादा साबुन इज ओके, कोई लिक्विड सोप खास तौर पे नहीं, एनी सोप, बट 20 सेकेंड के लिए. एंड दैट इज लाइक, यू नो, आप दो मरतबा हैप्पी बर्थडे टू यू उनके साथ अगर गाएं तो वो हो जाएगा. हाथ अपने धो के, नानी नाना दादी दादा अगर हेल्दी हैं तो भी, आई मीन अभी इस वक्त तो हाथ मिलाना गले लगना बिल्कुल ही मना है, पर अगर खास तौर पे किसी को कोई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोई इम्यूनोसप्रेस बीमारी हो तो फिर तो उनसे थोड़ा एहतियात करके और दूरी रखे. यानी अगर अपने कमरों में बच्चे रह सकते हैं तो बहुत बेहतर है. ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फेस टाइम कर सकते हैं, वैसे बात कर सकते हैं, बट बेहतर है कि उनसे अगर दूर रहा जाए तो दैट इज मच बेटर. अगर ये नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, तो कम से कम उनके हाथ धुले हुए हों, रोजाना बच्चों को नहलाया जाए, एंड जितना भी हो सके या ना चीजों को हाथ ना लगाए, अपने चेहरे को ना हाथ लगाए, तो फिर उससे बेहतर होगी. खाने की केयर की बात करते हैं कि जैसे हम फ्रूट ले रहे हैं रेडी वाले से, सब ले रहे हैं वो घर में आ रहा है. अच्छा, आमतौर पे सेब वगैरह तो हम धो के ही खाते हैं. अब मैं आपसे पूछूंगी, जैसे केले वगैरह के, केले तो मतलब वो चीजें नहीं धोई जाती बिकॉज वो आप पीन के खाए, क्या उन चीजों के स्किन पे वायरस रह सकता है? और अगर हाँ तो क्या हम उसको भी साबुन से धोएं, हम क्या करें? एटलीस्ट देखिए, वायरस जो है वो हवा में 3 घंटे तक रहता है, ठीक है? तो खांसते छींकते हुए इफ यू स्नीज, तो वो तीन, यू कैन एक्सपेक्ट कि 3 घंटे तक वो रहेगा. चीजों के ऊपर 9 घंटे तक के उन्हें कहा है कि वो रह सकता है. तो इस बेहतर ही यही है कि केले वगैरह को भी अगर आप धो लें, यू नो इट्स बेटर. किसी चीज को जो भी काटने वाला फल भी हो ना, जैसे ऑरेंजेस भी है, उनको भी धो ले डेफिनेटली. और हल्के से, ये नहीं कि आप क्लोरॉक्स या किसी चीज में डालें, पर प्लेन सिंपल सोप एंड वाटर माइल्ड सब करके उसमें डिप करके फिर सादे पानी से निकाल लें उनको. बिकॉज जो भी चीज हाथ लग रही है, जैसे डोर नॉब्स है, ये चीजें हम अनकॉन्शियसली ख्याल नहीं रखते हैं, यू नो, गाड़ी से निकलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, घर का दरवाजा, वो सब चीजों पर वायरस लास्ट करता है. तो फ्रूट को भी जब आप लेकर आए घर में, तो इट्स बेटर कि आप उसको धो लें. तो जो दरवाजे के हैंडल है आप कह रहे हैं, उसको भी हम सबको बिल्कुल दिन में कम से कम एक या दो बार क्लोरॉक्स वाइप से या सादे सोप एंड वाटर लेके हैंडल्स को, नॉब्स को, जो चीजें हम आमतौर पे इस्तेमाल, यू नो, खोलते बंद करते, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे साफ कर लिया करें बिल्कुल. ओके, बिकॉज मैं अभी इसी पे आ रही थी. और कोई ऐसी चीजें हैं जिसका हमें घर में ख्याल रखना है? डोर नॉब्स आपने बताया है कि दरवाजे के हैंडल का ख्याल रखना है. बच्चों को मेक श्योर कि ऑफ कोर्स हाथ धोने का, लेकिन दे मस्ट आल्सो, कपड़े भी बदलना बहुत जरूरी, क्योंकि कपड़ों पे भी ये वायरस रहता है. स्पेशली अगर पेरेंट्स कोई बाहर से आ रहे हैं, और अगर किसी घर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स है या नर्सेज है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो घर में आए तो सबसे पहले वो अपने घर अंदर जाके शावर लें, कपड़े बदलें, उसके बाद आके अपने बच्चों से या घर वालों से मिले.
तो उसी तरह से बच्चे भी अगर आप किसी वजह से बाहर लेके निकल रहे हैं तो उनको घर लाके मेक श्योर कि वो अपने हाथ सही तरह धोए, कपड़े जरूर चेंज करें क्योंकि कपड़ों पे भी वो रहता है वायरस, कोई भी चीज आप हाथ लगाएंगे उसके ऊपर वायरस जरूर रहेगा। ठीक है, any last words to say कि ये एक obviously एक बहुत बहुत बड़ा issue है। I think सबसे ज्यादा जरूरी है एहतियात, it's very difficult timings है ये, बच्चों को घर में रखना, entertained रखना, लेकिन एहतियात सबसे जरूरी है और अपने घर में रखना is the most important thing। अगर जो हम सुन रहे हैं ना कि flattening the curve वाली बात है कि वो चीजों को हम खुद ही कर सकते हैं कि अगर हम each one takes care of them और अपनी family को हम संभालेंगे, उनको अंदर रखेंगे और लोगों से मिलने नहीं देंगे तो होपफुली हम इस वायरस को कॉन्कर कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आज़रा फॉर योर टाइम, वी रियली